दोस्तों लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है, तो मेरा कहना है कि शादी करने से पहले लड़की के विषय में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि 7ों जन्म सब क्या देखना पड़ रहा है। सुनो ना प्लीज, कर लो ना मेरे से शादी। मैं तो उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। अरे आप टेंशन मत लो, ये पहाड़ पर ही चाय बेचता है। दिखे में तो खड़ूस आहिस, लेकिन थोड़े सुन हैंडसम और स्मार्ट आहिस। अच्छा शादी हो गेलो? शादी तो नहीं हुई हो। प्यार होता तो शादी करबे? की कर से? हमर से? ऐसे डायरेक्ट कौन मन पूछे ना, तो है तो लजवा दे विशेषण में मौके। अच्छा अंग्रेज और हमारे गांव की महिलाएं, जब अंग्रेज गाना गाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पूरा छाती फीट फीट हो रहा है। और हमारे घर गांव की महिलाएं रोती भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य को हरे हमारो बकरिया काने मारे चली गेले हो दुए बाले खुद म्यूजिक भी देते। हाय रे बकरिया, हाय रे बकरिया। कहाँ से आते हैं? का हो कि का जरूरत रहे बोले कि अपना मायके में कि हम एक थरिया खाते हैं। ओहो तारा खराब लग गई है का? हाँ हमरा इन पता रहला की बात छुपा के रखे के योरे जब देखती। कल रात 11 बजे एक लड़की ऑनलाइन मिली तो हम पूछे चैटिंग करेगी, उधर से रिप्लाई आया सूजो भैया बड़ी रात हो गलो हम लड़के ही हो। यही नहीं, अरे नहीं लगता क्या हुआ? तो मेरे अलावा किसी से डर लगता है नहीं लगता है? लड़कियों के दिमाग का कोई भरोसा नहीं। एक तरफ तो बोलेगी कि ये सारे लड़के चुतिया होते हैं, और दूसरी तरफ बोलेगी हम लड़कियां क्या लड़कों से कम हैं? ये इंश्योरेंस वाले जो होते हैं बहुत ही तेज होते हैं, आप उनके पास 1 घंटा बैठ जाओ, आपको जीने से ज्यादा मरने का फायदा बता देगा। आप कहाँ से जानी बाबा? ये ऑनलाइन चैटिंग का प्यार भी रेलवे के टिकट जैसा होता है, साला लास्ट मोमेंट तक पता ही नहीं चलता कि कंफर्म होगा कि नहीं। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कुछ भाभियाँ भी बिल्कुल वाईफाई की तरह होती हैं। अरे पटती किसी से भी नहीं पर सिग्नल सबको देती रहती हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। साला आजकल का गर्लफ्रेंड सरकारी फंड से कम नहीं, किसी को एक भी नहीं मिलती और किसी किसी को 4-4 मिल जाती है। नो 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 बात तो सही है। अच्छा जिस रोज बीबी से झगड़ा होता है उस रात में बीबी बेड पे ऐसे करवट बदलेंगे जैसे कि भूकंप आ गया, आराम और सांस इतना जोर से लेंगे जैसे बीबी नहीं नागिन लेटी हो।
और जब आप उसको बोलते हैं कि अरे सोने दो ना यार थोड़ा आराम से, तो बोलेगी हाँ सोइएगा कहे नहीं, अपने तो ठूस लिए भर भर के, हमको कोई पूछा, हम आदमी हैं, हम तो घर का नौकर हैं, और उठेंगे जाएंगे किचन, अब वहाँ जाकर ढबा ढब खाएंगे और बकबकाएंगे, करेंगे हम तो खाएगा कौन, क्या भैया हम नौकर हम खैबोस गए, उसके बाद लौटेगी और आकर के बोलेगी दादी मुँह घुमाइए ना, बाकी उसके बाद झगड़ा खत्म।